अब इस समारोह को आगे बढ़ाते हैं और समय है एमएसएमई ऊर्जा दक्षता दिशा निर्देशों के विमोचन का। भारत जापान ऊर्जा सहयोग के तहत बीईई ने बड़े और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा निर्देशों को हमारे माननीय विद्युत राज्य मंत्री श्री आर के सिंह जी ने सितंबर 2018 में दिल्ली में जारी किया था। इसके अलावा ब्यूरो ने लक्षित एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशा निर्देश भी विकसित किए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशा निर्देश बीईई द्वारा एक और पहल है ताकि उच्च ऊर्जा खपत वाले एमएसएमई उप क्षेत्रों के में सुधार हो सके। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथिगण और गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो इस विमोचन को आगे बढ़ाएं। हमारे चीफ गेस्ट श्री नितिन गडकरी जी, हमारे सम्मानित अतिथि श्री आर के सिंह जी तथा मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि आइए इन दिशा निर्देशों का विमोचन करें। जोरदार तालियों का साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारक। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से, धन्यवाद। अब समय है ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों पर डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन का। सिद्धि ज्ञान प्रबंधन पोर्टल एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता पर सरल डिजिटल व्यावहारिक सूचना है। इसे बीईई द्वारा विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न पहलों से उत्पन्न होने वाली जानकारी एकत्रित की जाती है और इसे इस क्षेत्र में काम करने वाले ऊर्जा दक्षता सहित हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। इस पोर्टल में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों, सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और सफलता की कहानियों की जानकारी भी दी गई है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी नामक एक समर्पित खंड है जो परियोजना के तहत प्रशिक्षित तकनीकी की आपूर्तिकर्ताओं, ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण योजनाओं, ऊर्जा पेशेवरों की सूची प्रदान करता है जिनके साथ कोई भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। आज हम एमएसएमई के लिए इस ज्ञान पोर्टल की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो ने एमएसएमई के लिए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों पर 50 परिवर्तनशील मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल भी विकसित किए हैं। मुख्य अतिथि द्वारा सिद्धि ज्ञान पोर्टल की शुरुआत करने से पहले अपने सम्मानित अतिथि श्री आर के सिंह जी से हम निवेदन करते हैं कि वो इस वीडियो को लॉन्च करके एमएसएमई के लिए उन्नत ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाले 50 मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल्स का विमोचन करने के लिए कृपा करें। लॉन्च ऑफ मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। MSMEs account for 33% of the manufacturing output. About 28% of the GDP and 50% of Indian exports. But the sector faces major technological challenges to address energy efficiency. Hence, the Bureau of Energy Efficiency, BEE, which has always supported the government in addressing energy efficiency issues, has taken another path-breaking initiative to support MSMEs. It has created multimedia tutorials for easy adoption of energy-efficient technologies, titled Marching Towards Energy Efficient India, so that an entrepreneur or a worker can easily understand and accept these technologies. BEE has focused on 18 sectors spread across India. 50 technologies have been identified and featured. Their working principles and benefits have been explained in simple languages. Urges unit owners
to peruse and adopt these technologies for their benefit and that of the nation. Let's march towards an energy efficient India together. जोरदार तालियां। अब निवेदन है श्री नितिन गडकरी जी से, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, कि एमएसएमई के लिए सिद्धि ज्ञान पोर्टल को लॉन्च करने की कृपा करें। तो बारी आती है सिद्धि ज्ञान पोर्टल को लॉन्च करने की, जो एक नायाब पहल है। और इस ज्ञान पोर्टल को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया गया है। सिद्धि ज्ञान पोर्टल टी क्लस्टर की एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर छोटी सी वीडियो भी है, जो इन 50 वीडियोस में से एक है। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी टीम से कि उस वीडियो को प्लीज प्ले करें। These lush tea gardens populate much of the Northeast. India is one of the largest tea producers in the world. One of the key processes in the entire tea manufacturing process is withering. A routine test is conducted to determine the quality of the harvested leaves and the tentative moisture content. The leaves are then laid in the withering trough. Mostly, the withering fans are run manually, leading to higher consumption of fuel. The withering control and automation device helps to monitor the withering process intelligently. A PLC-based panel is installed to control the parameters for efficient withering. Also, the hygrometer temperature difference of 4 to 6 degrees is maintained throughout the process. The automation and control system provides many benefits. Process-specific benefits include significant energy saving by completely avoiding manual error, manpower saving due to automatic control of fan and hot air, consistency in withering of tea leaves every time, negligible chance of leaf damage due to overfire, and enhanced withering quality resulting in better tea. The Upper Assam Tea Cluster alone houses more than 500 tea factories. If implemented in 200 units, the withering automation can save 11,000 ton oil equivalent energy per annum, 30,000 ton carbon dioxide emission reduction per annum. ऊर्जा को किस प्रकार बचाया जा सकता है, उसका एक बेमिसाल उदाहरण हमने इस वीडियो में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। समय है विकास आयुक्त के कार्यालय, एमएसएमई तथा एमएसएमई के ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइनिंग की। ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं को अपनाने में एसएमई द्वारा सामना किए जाने वाली विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत में एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे। इसलिए एमएसएमई में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अब मैं एमएसएमई मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त श्री राम मोहन मिश्रा जी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री अभय बाकरे जी को एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करने का निवेदन करती हूँ। टाइम फॉर एमओयू साइनिंग। जोरदार तालियों का साथ पूरी सभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। अब समय है एसएमईज को आईएसओ 50001 प्रमाण पत्र पुरस्कार का वितरण करने का।
बीईई ने फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट एमएसईज नामक एक परियोजना शुरू की थी जो भारत में ऊर्जा दक्षता के कार्यक्रम ढांचे के तहत ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का एक हिस्सा थी। इस परियोजना का उद्देश्य कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेश की मांग को बढ़ाना था। इस परियोजना के तहत एक घटक ISO 50001 मानक के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने, दस्तावेज बनाने और कार्यान्वयन करने में चयनित एमएसएमई यूनिटों की सहायता करना था। इस गतिविधि को लगभग 50 एमएसएमई यूनिटों की सहायता करने के लिए बनाया गया था। तो आज इस अवसर पर हम कुछ सक्रिय एमएसएमई यूनिटों को ISO 50001 प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसलिए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से इन प्रमाण पत्रों को भेंट करने का विनम्र अनुरोध करती हूं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इनके साथ, और सबसे पहले जिनका नाम हम लेने जा रहे हैं वो हैं श्री अमित मेहता, एमडी मेहता ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री अमित मेहता। अमित मेहता, एमडी मेहता ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जोरदार तालियां श्री अमित मेहता के लिए, बहुत बहुत बधाई। अगला नाम है श्री गौरव सहगल का, एमडी पाई टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जोरदार तालियां श्री गौरव सहगल के लिए, जोरदार तालियों का साथ मित्रों। अगला नाम है श्री प्रणब महाजन का, एमडी महाजन ओवरसीज, बहुत बहुत बधाई प्रणब महाजन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करती हूं श्री पी डी डिसूजा, एमडी एएलएफ इंजीनियरिंग से, कि वो कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री रितेश सप्रा, चेयरमैन एंड एमडी जीबीकेसी फैशन, जोरदार तालियां श्री रितेश सप्रा के लिए। और इस श्रृंखला में अंतिम श्री अजीत भोसले, SGM इलेक्ट्रोमेक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। FLCTD कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में नई खोज के लिए पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में देश के विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों और भागों में हर दिन नई खोज और आविष्कार किए जाते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का एक अन्य कार्यक्रम, तो चलिए इन नई खोजों के लिए वर्ष 2018 के प्रथम इनोवेशन चैलेंज के दौरान 13 नई तकनीकों का चयन किया गया और क्षेत्रीय स्थितियों में प्रदर्शन और वैलिडेशन के लिए 3.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। तो उन्हीं में से आज हम 3 नवीन तकनीकों और उद्यमियों को मान्यता दे रहे हैं, लो ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट रिकवरी, पंपिंग और स्पेस कंडीशनिंग। सबसे पहले फॉर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अश्विनी कृष्णा केपी, हेड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेसर्स प्रोमिथेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मंच पे आ गए हैं श्री अश्विनी कृष्णा केपी, जोरदार तालियों का साथ, ढेर सारी शुभकामनाएं। फॉर पंप एंड पंपिंग सिस्टम्स डॉक्टर मनोज मोदी, हेड ऑफ R&D मेसर्स शक्ति पंप्स लिमिटेड, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। और अंत में फॉर स्पेस कंडीशनिंग नितिन गोयल जी, CEO एंड को फाउंडर इन्फीकोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे सम्मानित अतिथि माननीय मंत्री जी श्री R.K. सिंह जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया सभा को संबोधित करने की कृपा करें। एक मैडम, मैं पहले बोलता हूं, मैं साहब के सामने कुछ रख पाऊंगा। श्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट महोदय सर। आदरणीय R.K. सिंह जी,
मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं ऊर्जा मंत्रालय को और मंत्री आर के सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के लिए एक इनिशिएटिव लिया है जो भविष्य में देश के लिए बहुत उपयोगी है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, और इसलिए हमारे ऊर्जा की बचत होकर प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और उसी के कारण उन्होंने ये इनिशिएटिव के लिए जो शुरुआत की है वो एमएसएमई के मिनिस्टर होने के नाते मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश में टोटल ग्रोथ में करीब 29-30% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, और अब हमने ये तय किया है कि हम 50% ग्रोथ पर ले जाएंगे, और दूसरा टारगेट ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अभी 49-50% एक्सपोर्ट है, इसको भी हम 10% और बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो है एमएसएमई की है कि अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं, इस 5 साल में 5 करोड़ जॉब्स हम ऐड करना चाहते हैं। पर ये करने में जो दिक्कतें हैं उसमें से 3 प्रमुख दिक्कतें हैं। एक, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में ज़्यादा है, चाइना में 8-10% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हमारे देश में 16-18% है, यूरोपियन देशों में ये कॉस्ट 12% है, और जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। और इसलिए खुशी है कि पिछले 5 साल में मैं पोर्ट शिपिंग का मंत्री था, हमने जलमार्ग का विकास किया है और ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जलमार्ग का उपयोग हो। अब इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग का काम पूरा हुआ है, फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है, फिर ब्रह्मपुत्रा का जलमार्ग का ड्रेजिंग पूरा हुआ है, हमने बांग्लादेश में जाकर वहाँ का चितगांव और मुंगली दोनों पोर्ट में ड्रेजिंग किया, तो वहाँ भी हम पहुँच सकते हैं। बराक का भी किया है, और अभी दिल्ली से यमुना से निकलकर हम लोग मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से इलाहाबाद, ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया है। तो इससे आसान होगा कि पानी के ऊपर जो जलमार्ग बनेंगे तो रोड पे जाने के लिए 10 रुपये अगर खर्चा आता है, रेलवे के लिए 6 रुपये आता है, तो पानी के रुपये केवल 1 रुपये आता है। और 1 रुपये में भी हमने ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा फ्यूल बदल जाए। आज जो फ्यूल यूज़ कर रहे उसके बजाय LNG, इलेक्ट्रिक और मिथेनॉल और इथेनॉल, ये यूज़ करके शिपिंग में कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम से कम 1.5 गुना होगा। दूसरी जी हमारी समस्या है हमारी कैपिटल कॉस्ट। पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं 2-3% है, और कुछ देशों में तो 1% है, और हमारे देश में जो कॉस्ट है वो एमएसएमई के लिए 11-14% पे जाती है, और इसलिए कैपिटल कॉस्ट को कम करना ये दूसरा मिशन हमारे सामने है। हमने इस बार वर्ल्ड बैंक, ADB और KfW से MOU साइन किया है, मिश्रा जी ने इसके लिए विशेष इनिशिएटिव लिए, और काफ़ी बड़ी क्रेडिट लाइन लो इंटरेस्ट कॉस्ट से अब हमको उपलब्ध हुई है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है पावर कॉस्ट। 11-11 रुपये कॉस्ट है, और आदरणीय मंत्री जी जानते हैं कि अब 2.40 रुपये तक सौर ऊर्जा की कॉस्ट आई है, तो इस देश में अब पावर कॉस्ट को भी कम करने की आवश्यकता है। पावर कॉस्ट में कम करने के लिए जो 2 मार्ग है, पहला जो एनर्जी इफिशेंसी के लिए जो विशेष प्रकार से जो संशोधन हुआ है उसका हम उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ी बचत होगी, और इसमें मुझे खुशी है कि आज बड़े प्रमाण पर काफ़ी इनोवेशन हुआ है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। तो आज इसमें काफ़ी बड़ा संशोधन हुआ है, पर जिन्होंने संशोधन किया है वो लोग एनर्जी बचाते समय जो कॉस्ट कोट करते हैं वो थोड़ा स्वाभाविक है, उनकी मोनोपोली है तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा कोट करते हैं।
अगर उनको ज़्यादा बिजनेस चाहिए तो उनको और कॉम्पिटेटिव बनना पड़ेगा ताकि एमएसएमई उसका उपयोग कर सके, वॉल्यूम में उनको काम भी मिलेगा। और जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है कि हमने हाइब्रिड कार लाई, 40% बिजली है और 60% पेट्रोल, बहुत सी कार मार्केट में आई जो ईंधन को बचाती है। अभी हमने ये तय किया, अभी एक मॉडल मैंने देखा कि वो कार में पेट्रोल और डीजल पर एनर्जी बनती है और उस पर कार चलती है। और अभी तो हम लोग दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे गुड़गांव से नया, उसमें पहले 10 किलोमीटर हम ई हाईवे बना रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक उसके ऊपर जा सके और इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल यूज़ हो सके, और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये तीनों बातों के साथ रॉ मटेरियल की भी है, लेबर कॉस्ट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर सब जगह पर जितनी कॉस्ट हम कम करेंगे उतना हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है बहुत अच्छा है। केवल हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में जो मोटर इलेक्ट्रिसिटी पंप के लिए बिजली देती है, तो मुझे महाराष्ट्र में मालूम है कि 32,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, और बिजली काटना किसानों की हालत भी बहुत ख़राब है। कुछ राज्य फ्री ऑफ चार्ज बिजली दे रहे हैं और इसके कारण वो तो पैसा कोई भरता नहीं, पर केवल अगर हमने उसमें मोटर पंप बदल दिया तो 80% पावर का सेविंग होगा। तो कुछ राज्यों ने ऐसी योजना लाई है कि पुराना पंप दो और नया पंप लो, तो उससे बहुत करोड़ों रुपए की बिजली बचेगी। जैसे हमारे रेलवे में एसी के कोच है, वो अब उसी पे चलने लगे, वही पावर तैयार होती है और उसी के ऊपर होते हैं। आज मैंने कल एक मोटरसाइकिल लॉन्च की मुंबई में, वो भी चलते चलते ऊर्जा जनरेट करती है। तो ये जो नए नए इनोवेशंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ा पहले इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं इसमें आपसे, जैसे पावर कॉस्ट एनर्जी ऑडिट होना चाहिए, इसमें बिल्कुल सही बात है, और इसमें जो ISI दे दिया जाता है उसमें जो लोग एनर्जी इफ़िशेंट नहीं होंगे उसके नॉर्म्स को फिक्स करना होगा, और ऐसे मशीनरी को हम ISI नहीं देंगे ये कठोरता से कहना होगा, तभी उसमें संशोधन होगा। क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के कारण उसमें जितना अच्छा एनर्जी ऑडिट एनर्जी के हिसाब से सेविंग होना चाहिए उसका पालन नहीं होता, और इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसके स्टैंडर्ड्स आज आपने इनिशिएटिव किए हैं तो इसका भी फायदा निश्चित रूप से होगा। मैं आपको एक बात इसीलिए कहने के लिए खड़ा हूँ, जैसे एनर्जी को बचाना चाहिए वैसे एनर्जी सोर्सेस के पास भी हम लोग जाकर काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। मैं पैशन करके ऐसे प्रयोग करते रहता हूँ, मैं मेरे क्षेत्र में किसानों में काम करता हूँ, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के भी प्रमुख हैं। तो अभी पिछले बार मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टॉयलेट का पानी था नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो महाराष्ट्र सरकार के बिजली कंपनी को बेच दिया, और वो रिसाइकिलिंग करके बेचने से अब कॉरपोरेशन को टॉयलेट का पानी सीवेज वाटर बेचने से 180 करोड़ रुपये साल के मिल रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। पर अब उस पानी से अभी हमारे यहाँ 450 बसेस है, 150 कारें और 100 ट्रक है, और मैंने ये तय किया कि इस पानी से मीथेन निकालेंगे। तो हमारे पास 7 बायोडाइजेस्टर ऐसे ही पड़े थे, और वो काम हमने हाथ में लिया है कि 1.5 महीने में पूरा हो रहा है, कि मटन मच्छी और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट की वेस्ट और जो स्लज है 650 टन उसको डालकर मीथेन निकालेंगे। मीथेन से CO2 अलग करके bio CNG करके हमने हमारे बसेस को कन्वर्ट करने का निर्णय किया। अभी 80 बसेस हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। फिलहाल हम लोग जो है कि LNG लाते हैं और LNG को CLNG में कन्वर्ट करते हैं और उसमें से बसेस चला रहे हैं, और 450 बसेस, 150 ट्रक और 100-150 कार तो हम लोग 2 महीने में इनॉग्रेट करने वाले हैं, और बायो डाइजेस्टर से हमारे यहाँ 49 टन bio CNG निकलेगा, और उस पर चलने से हमारी 60 करोड़ रुपए साल की बचत होगी। तो ये मॉडल देखने के लिए मैं आपको बुलाऊंगा, ये वेस्ट टू एनर्जी। तो ये मुझे लगता है कि ये अगर पूरे देश में होगा तो हमारी कितनी बचत होगी। मैं गंगा का मंत्री था तब हमने करीब 125-150 बायो डाइजेस्टर बनाए,
और बायोडाइजेस्टर बनके हमने गंगा को शुद्ध भी किया, काफी काम शुरू है। इस बायोडाइजेस्टर से भी मिथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकल सकता है, पर दुर्भाग्यवश मैंने बहुत कोशिश की, कोई लोग आगे नहीं आए। पर मथुरा में इंडियन ऑयल को, मथुरा का 80 MLD स्लज हम शुद्ध करते हैं और हाइब्रिड एन्यूटी में प्रोजेक्ट डाला है, 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई है और वो पूरा पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल मथुरा को दे रही है। उसके कारण 20 करोड़ रुपए रॉयल्टी हर साल की मिल रही है। तो ये जो गंगा में हम लोग जो पानी शुद्ध करेंगे, तो ये आप पावर प्रोजेक्ट के लिए आपने ऑर्डर निकाला हुआ है कि ये पानी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे पर जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, अगर वो ये पानी यूज़ करेगा तो शुद्ध पानी बाकी का जो है वो और पीने के लिए और इरिगेशन के लिए उपयोगी आएगा। तो अभी बीच में हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने NTPC को पानी देने का भी निर्णय किया, पर ये जो रेट है ये थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और अभी इलेक्ट्रिक कमीशन ने उसको मान्य भी किया है, वो तो पास थ्रू होता है। तो उन्होंने कहा कि इरीगेशन के प्राइस से 10% ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए, वो संभव नहीं है क्योंकि ये रिसाइकलिंग प्लांट और सब है। तो ये इसके लिए आप अगर सोचेंगे तो भविष्य में पानी की भी बहुत बड़ी बचत आपके कारण होगी, और ये प्रोजेक्ट अगर जैसा आपने उठाया ये अगर आप करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। और ये गंदे पानी से बायो CNG भी हो सकता है। और आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कि ये दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, ये परली जलाने से है। अभी लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्लांट डाला हुआ है और उसका काम चल रहा है कि 5 टन परली से 1 टन बायो CNG निकलता है, और परली फुकट में जला रहे लोग। तो पंजाब हरियाणा में कम से कम 400-500 प्रोजेक्ट आ सकते हैं, और ये अगर बायो CNG बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, और हम MSME से उनको फाइनेंस भी करना चाहते हैं। आज कोल की कमी है, हम इम्पोर्ट कर रहे कोल को, और मैंने एक प्रयोग किया, हमारे यहाँ मदर डेयरी शुरू की, तो जानवरों के लिए ग्रास लगता था तो नेपियर ग्रास लगाना शुरू किया। अब नेपियर ग्रास को एक दिन ऐसे ही लगा तो मैंने कहा इसका एक्सपेरिमेंट, इसका ज़रा रिसर्च करिए। तो नेपियर ग्रास एक एकड़ में 200 टन होता है, और वो उसकी कैलोरिक वैल्यू 6000 है 60% मॉइस्चर में। तो मेरे मन में ये आया कि हम 4000 रुपये टन का कोल यूज़ करते हैं, उसके बजाय अगर किसानों को कहे कि वो बांस लगाए, एक एकड़ में 200 टन बाम्बू होता है बीमा बाम्बू, और एक एकड़ में 200 टन नेपियर ग्रास होता है, तो इंडोनेशिया से और साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से कोल लाने के बजाय अगर हम किसानों से बाम्बू क्रश करके और नेपियर ग्रास लेकर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कोल से कम जो पर यूनिट उसकी जो वैल्यू है उसमें 25-1 पैसा बचेगा, आपका भी फायदा होगा और देश के करोड़ों किसानों को नया सोर्स मिलेगा। इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये जो नेपियर ग्रास है इससे मैं बायो CNG भी बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एग्रो वेस्ट टू वेल एंड एग्रो वेस्ट टू पावर, ये दोनों भी मंत्रालय आपके पास है, और मैंने अभी 6 जिलों में मेरे पास जो है, क्योंकि मेरी ताकत तो इतनी नहीं है, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, ये 6 जिलों को मैं डीजल मुक्त करने वाला हूँ 5 साल में। और मैंने किट भी लाई, टेक्नोलॉजी भी लाई, ट्रैक्टर का भी कन्वर्शन किया, बस का भी किया, ARI का अप्रूवल भी हुआ, सब व्यवस्थित किया है। और इसलिए किसान अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, तो हमारे गाँवों की समस्या है, बिहार, UP सब सुलझाई जाएगी। ये परली का तो सक्सेसफुल है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इक्वली इससे बायो CNG और पावर दोनों के लिए हो सकता है। और आज भी जिसकी 4000 कैलोरिक वैल्यू वाला कोयला है उसकी कीमत तो 4000 रुपये टन पड़ ही रही है। तो उसके बजाय हम लोग ये अगर करेंगे, नेपियर ग्रास या परली तो फुकट में अवेलेबल है, तो इसको भी यूज़ करने में बॉयलर में अड़चन नहीं जाएगी। अभी आपने जैसे बात की कि थर्मेक्स ने एक बॉयलर निकाला है कि उसमें स्पेंट वॉश जलाते हैं जो शुगर फैक्ट्री में निकलता है, और उसके बाद में उसमें और उनने किया है कि जो को जनरेशन में जो पावर जनरेट होती है, तो ये जो यहाँ अभी हमने देखा